स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामिद क्लासेस पे। सो so, इससे पहले वीडियो में मैंने यू जी सी नेट दो हज़ार पेपर टू फॉरेंसिक साइंस को डिस्कस किया था इस वीडियो में मैं 2012 जून के पेपर को डिस्कस करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं मैं सारे वीडियोज़ के पी को यहाँ पर शेयर करता हूँ तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ बटिलोनेज इज़ अ सिनोनिमस टर्म टू तो बटिलोनेज है क्या बटिलोनेज इज़ अ सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स मेकिंग यूज ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बटिलोनेज एक सिस्टम है जिसमें हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के मदद से क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जैसे कि हेड साइज स्कार्स बेसिकली जितने भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स प्रेजेंट है बॉडी में उसे हम मेज़र करते हैं नोट डाउन करते हैं और उससे फिर हम क्रिमिनल्स का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं तो इसमें क्या किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दैट इज एंथ्रोपोमेट्री नेक्स्ट सरलाक होम्स वॉज अ करेक्टर इन द नावल ऑफ सरलाक होम्स एक मूवी है बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी मूवी है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं तो जो सरलाक होम्स कैरेक्टर है वो किसके नोवेल से लिया गया है ऑप्शन नंबर ए सर अर्थर कोनान डायल इनसे लिया गया है नेक्स्ट लेटेंट फिंगरप्रिंट ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब शुड बी प्रिजर्व बाई पुटिंग इन लेटेंट फिंगरप्रिंट अगर इलेक्ट्रिक बल्ब पे प्रेजेंट है तो उसे हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पेपर बैग ऑप्शन नंबर सी सेलोफेन बैग इन दोनों केस में अगर हम बल्ब को डालते हैं तो हो सकता है जो बैग का सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक बल्ब पे लेटेंट प्रिंट है वो दोनों आपस में रब होके प्रिंट को डिस्टर्ब कर दे। तो इन दोनों में तो हम नहीं डाल सकते ऑप्शन नंबर ए कार्डबोर्ड बॉक्स अगर कार्डबोर्ड बॉक्स में हम उसे रखते हैं बल्ब को तो हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बल्ब इधर उधर से टकरा के टूट जाए तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फिक्स्ड इन अ बल्ब होल्डर इन वुडन बॉक्स हम बल्ब को बल्ब होल्डर पर फिक्स करते हैं और उसको वुडन बॉक्स पर रखते हैं बल्ब होल्डर पर फिक्स होने के बाद वो हिलेगा डुलेगा नहीं और वो किसी भी सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए तब हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट अ रिच फॉक्स फॉक्स मतलब टू डिवाइड इनटू टू और मोर ब्रांचेस रिच दैट फॉक्स अगर कोई रिच फॉक हो रहा है एंड फॉर्म्लीट सर्कल अगर ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है सिंगल रिच अगेन नंबर ए आईलैंड आइलैंड तो ऐसा नहीं बनता आईलैंड कुछ इस तरह सा बनता है ऑप्शन नंबर बी बाइफर्केशन बाइफर्केशन तो आपको पता ही होगा कोई रिच अगर बाइफर्केट हो रहा तो इस तरह से बाइफर्केशन होता है एक रिच से ऑप्शन नंबर सी फॉर्क फॉर्क भी नहीं होगा टू डिवाइड इंटू टू और मोर रिजस्ट मैंने पहले ही बताया फॉर्क का मतलब तो उसमें भी ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट का सिमिलर टर्म है यह आपको इंक्लोजर दिख रहा होगा इसे हम इनक्लोजर के नाम से जानते हैं इंक्लोजर और एनेस्टोमोसिस सिमिलर टर्म है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन इंडिया द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इज नॉट स्टार्टेड एट पुणे में है गुवाहाटी में है भोपाल में है ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में अभी तक कोई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नहीं इस्टबलिश किया गया तो जो सात सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है वो कहाँ कहाँ है हम देख लेते हैं हैदराबाद कोलकाता चंडीगढ़ न्यू दिल्ली गुवाहाटी भोपाल एंड पुणे ये सातों का नाम आपको याद रखना है कहाँ पे इस्टेब्लिश है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली है वो सी के अंडर आता है और इसके हेड कौन है अभी डायरेक्टर कौन है डिलेंदु विकास बरदान डिलेंदु विकास बरदान आपको नाम याद रखना सी एफ एस एल न्यू दिल्ली सी बी आई के अंडर आता है और बाकी जो छः सी एफ एस एल है वो किसके अंडर आता है डी एफ एस एस डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ पोरोस्कोपी वास गिवेंड बाई पोरोस्कोपी किसने दिया था ऑप्शन नंबर सी एडमंड लोकार्ड जो डॉक्टर एडमंड लोकार्ड है उसने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी दिया है तो जो एडमंड लोकार्ड है उसने क्या बताया था लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में अगर कोई दो भी ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसके बीच पार्टिकल का एक्सचेंज होता है सो so, अगर पोरोस्कोपी का वीडियो आपने मेरे चैनल पे अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसमें पोरोस्कोपी के बारे में मैंने सारा कुछ बता रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेवन द लेयर्स ऑफ सेल्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज कॉल्ड एज तो एपिडर्मिस क्या होता है एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन और डर्मिस क्या होता है डर्मिस जो होता है वो थिकेस्ट लेयर होता है स्किन का एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अपाइब्रस एंड अलास्टिक टिश्यू फाइब्रस और अलास्टिक टिश्यू से ये बना हुआ होता है जिसके कारण ये स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ सेवन का आंसर डर्मल पैपलिया नेक्स्ट सीलाइजेशन इज़ यूज इन सिलाइलेशन क्या होता है सिलाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो सिलाइल ग्रुप होता है सिलाइल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक प्रोटोन को हटाकर सिलाइल डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है सिलाइल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है उसके एक प्रोटोन को हटाकर सिलाइल डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसके कारण जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वॉलीटिलिटी इन्हांस हो जाता है और इन्हांस होने के कारण वो गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालिसिस करने में इजी हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिलाइलेशन आपको पता चल गया क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेज सीन थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इमेज किस तरह का फॉर्म होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑप्शन नंबर है वर्चुअल नेक्स्ट एनएमआर एम एज अ टूल टू इन्वेस्टिगेट एन का फुल फॉर्म क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एन क्या होता है एन एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसमें किसी भी अननोन कंपाउंड का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है एन रेडियो वेव का यूज करके किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को डिटरमाइन करता है तो एन जो टेन नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट एम सी टी डिटेक्टर इज़ यूज इन एलेवन नंबर एम सी टी डिटेक्टर किस में यूज़ होता है एफ टी आर में एफ टी आई आर का क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एफ टी आई आर में एम सी टी डिटेक्टर के अलावा पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स भी यूज़ होता है जो पायरोक्ट्रिक डिटेक्टर्स है वो बहुत ही फास्ट उसका बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है और ये ज़्यादातर एफ में यूज़ होता है इसके अलावा फ़ोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर भी यूज़ होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है उसमें मरकरी कैडमियम टेलोराइड डिटेक्टर्स आता है मरकरी कैडमियम टेलोराइड डिटेक्टर्स फ़ोटो डिटेक्टर का टाइप है ठीक है आपको डिफरेंट डिटेक्टर्स का नाम याद रखना है एक इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट सेम द इंसिडेंट बीम इज़ फोकस्ड बाई मीन्स ऑफ जो इंसिडेंट बीम्स है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो किससे फोकस होता है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रो मैगनेट्स जो सेम है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सेम के अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम भी है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सेम है और जो टेम है उसके बीच क्या डिफरेंस है हम वो देख लेते हैं जो सेम है उसमें इमेज रिफ्लेक्टेड या फिर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से फॉर्म होता है और टेम में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है जो भी सैम्पल से क्रॉस होके इलेक्ट्रॉन क्रॉस होके इमेज फॉर्म कर रहा है जो इमेज होता है वो फॉर्म करता है टेम तो एज अ रिजल्ट क्या होता है जो टेम है वो तो सैंपल से क्रॉस होके इमेज को फॉर्मेशन कर रहा है तो वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताता है जैसे कि इनर स्ट्रक्चर सैंपल का इनल स्ट्रक्चर वो बताता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है मॉर्फोलॉजी बताता है स्ट्रेस्ट स्ट्रेस स्टेट इंफॉर्मेशन बताता है जबकि सैम केवल सैंपल से तो नॉकड ऑफ होके गया है रिफ्लेक्ट होके गया है तो सैंपल का सरफेस का जानकारी वो देता है और उसका कंपोजिशन के बारे में बताता है ठीक है तो ये था सैम और टेम के बीच का डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थर्टीन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन व्यू अ पार्टिकल under a microscope while at the same time a beam of light is directed at the particle in order to obtain its absorption spectrum. So this answer option number C micro spectrometer next question number 14 Ninhydrin reacts with amino acids amino acids present in fingerprint to form a colored compound is called as ninhydrin. एक टेस्ट है जो कि अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है अब ये जो अमाइनो एसिड है वो स्वेट का एक कंपोजिशन में से एक है स्वेट हमारा स्वेट पोर्स से निकलता है और जो हमारा पोर्स है वो पूरे बॉडी में प्रेजेंट है वहाँ से हमारा स्वेट रिलीज होता है स्वेट का एक कंपोजिशन है अमाइनो एसिड्स तो जब भी हम फिंगरप्रिंट देते हैं और उस पर अगर नीनहाइड्रेट लगाते हैं तो हमारा प्रिंट पे जो अमाइनो एसिड रहता है उसके साथ नीन रिएक्ट करता है और एक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम क्या है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट पे चलते हैं ओ थ्री थ्री डाई मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट सीरम प्रोटीन पॉलीमोरफिज्म आर डेमोनिस्ट्रेटेड बाय ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेवनटीन द फॉलोइंग टेक्निक इज़ टू टेक्निकाई द इंजाइम इन ब्लड सैंपल ऑप्शन नंबर बी दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चन नंबर एटीन मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन में टाइप ऑफ प्रिंट है फिंगरप्रिंट प्रिंट एंड लिस्ट टू में उसका कैरेक्टरिस्टिक है तो फिंगर का टाइप पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं चैनल विजिट कीजिए प्लेलिस्ट खोलिए प्लेलिस्ट में फिंगरप्रिंट वीडियोस बाय पीयूष सर है आप उसे खोल के देख सकते हैं तो इसमें आप मैच द फॉलोइंग में ये कर सकते हैं अगर आपको दो तीन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है तो जैसे कि टू आर्चेस आपको आर्चेस का पता ही होगा कंटेंस नो डेल्टा तो आप देख सकते हैं कि जो आर्चेस है टू का वन टू का वन किस में किस में है ऑप्शन नंबर ए और डी में तो बी और सी को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं और दूसरा देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको लैटरल पॉकेट लूप का पता है लैटरल पॉकेट लूप का आंसर क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कंटेंस टू लूप ओपनिंग ऑन द सेम साइड तो ये होता है तो ऑप्शन नंबर डी आप समझ सकते हैं कि इसका करेक्ट हो जाएगा तो और क्या बच गया इसमें सेंट्रल पॉकेट लूप सेंट्रल पॉकेट लूप क्या होता है कंटेंस वन कोर एंड टू डेल्टा और क्या बच गया ट्वेंट लूप ट्वेंट लूप का आंसर क्या होगा कंटेंस टू लूप्स ओपनिंग एट अपोजिट तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एसर्शन एंड रीजन इन डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड मेटर्निटी कैसेज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड एसरशन क्या बोल रहा है अगर डिस्प्यूटेड पेटर्निटी और मेटर्निटी का केस है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सके रीज़न क्या बता रहा है द ब्लड ग्रुप्स आर नॉट इन्हेरिटेड एज पर मंडेलियन लॉ ऑफ इन्हेरीटेंस रीज़न बोल रहा है कि जो ब्लड ग्रुप है वो एज पर मंडेलियन लॉ ऑफ इन्हेरीटेंस ब्लड ग्रुप इनहेरिट नहीं होता है तो नाइनटीन का आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट सी नेक्स्ट ट्वेंटी एप्लीकेशन ऑफ एबीओ ग्रुपिंग इज डि पैटर्निटी वॉज फर्स्ट यूज बाय ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑट एंड बर्ग नेक्स्ट जीन्स विच एग्जिस्ट एट अल्टरनेट एक्सप्रेशन एट अ पर्टिकुलर लोकस इज कॉल्ड एज ये तो सबको पता है कि ये अलील का डेफिनेशन है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट कोजलका एंड हाइन मेथड इज यूज इन द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कोजलका और हाइन मेथड किसका इस्टीमेशन हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिशन ए ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री द फॉलोइंग कलर टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स फूजी वाड़ा टेस्ट इज द कलर टेस्ट विच इज्लाइड टू डिटेक्शन ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द फॉलोइंगज अ पॉइजनस मशरूम स्पीसीज अमनीता फैलॉइड्स अमनीता फॉलोइड्स को हम डेथ कैंप के भी नाम से जानते हैं डेथ कैप अमनीता फेलॉय्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव स्कॉट्स टेस्ट इज अप्लाइड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्कॉट टेस्ट किसके लिए हम लोग किसके डिटेक्शन के लिए हम, हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी देट इज कोकेन द एक्टिव इंग्रीडियंट ऑफ कैनोबिस आर कलेक्टिवली नोन एज तो जो कैनबिस है वो क्या होता है केनाबिस को हम मरीजवाना के नाम से भी जानते हैं मरीजवाना क्या होता है आप सबको पता होगा तो जो मरीजवाना है उसका प्राइमरी साइकोएक्टिव कम्पोनेंट क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइको प्राइमरी साइको एक्टिव कम्पोनेंट क्या है मरीजवाना का वह है टी एच सी टेट्राहाइड्रो कैनोबिन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज कैनोबिनॉइड नेक्स्ट फॉर प्रिपेयरिंग हीरोइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एसिटेलाइटिंग एजेंट ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोग यूज करते हैं एज एन एसिटेलाइटिंग एजेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन इज मेजर्ड इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रम इज एसेंशियल इन द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर ए कंसीलमेंट ऑफ बर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग पी थर्टी क्रेटनिन टाइलिन पी तो ये सब कंपोनेंट है ब्लड सेलाइवा यूरिन सीमेंट का तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए करेक्ट है स्टार्ट करते हैं पी थर्टी से तो जो पी थर्टी है वो किस में होता है सीमेन नेक्स्ट क्रिएटिनिन वो किस में होता है यूरिन में नेक्स्ट टाइलिन सेलाइवा एंड पीजीएम लास्ट बल्ब तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेक्स्ट रेडियल डिफ्यूजन टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर डे इज करेक्ट एमाइलेस नेक्स्ट ह्यूमन हेयर वेन एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप विल रिवील थिक थिकॉर्टेक्स एंड थिन मेड्यूला और एनिमल का क्या होता है मेड्यूला थिक होता है तो जो हेयर है उसका थ्री लेयर्स क्या होता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें क्यूटिकल कॉटेक्स और मेड्यूला थ्री लेयर दिखता है तो जो क्यूटिकल है वो सबसे आउटर लेयर होता है हेयर शाफ्ट का जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसे कॉटेक्स को जो कॉटेक्स है वो मिडिल लेयर है क्यूटिकल के जस्ट नीचे मिडिल लेयर है कॉटेक्स कॉटेक्स जो है वो स्ट्रेंथ कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करता है हेयर फाइबर को सबसे लास्ट क्या है मेडुला जो डीपेस्ट लेयर है हेयर शाफ्ट का और ये लार्ज और थिक हेयर में हमें देखने को मिलता है मेडुला एनिमल में थिकर होता है और ह्यूमन बींग में थिनर होता है नेक्स्ट इन स्टार्च आयोडीन टेस्ट द स्टार्च टर्न इन द फॉलोइंग कलर ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन ऑप्शन नंबर बी ब्लू थर्टी फोर एक्लेशन ऑफ एपिथिलियल स्किन टैक्स ऑन द एंड ऑफ द इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन नंबर ए दैट इज एवरेशन माइ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट पेंट का कंस्टिट्यूएंट हम लोग को मैच करना है डी व्हीकल, फर्स्ट है व्हीकल व्हीकल का क्या होगा पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लैकवेर लैकवेयर का क्या होगा फॉस ड्राइंग कोटिंग्स। नेक्स्ट फार्निश एज सॉल्यूशन ऑफ ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑयल्स एंड रेजेंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट प्लास्टिसाइज़र, वन यूज इन पॉलीमर टू इंक्रीज इट्स फ्लेक्सीबिलिटी तो ऑप्शन नंबर टी इज करेक्ट नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव पाइप बाम है लेटर बाम है एसिड बल्ब है हैंड ग्रैनेड इज नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव क्या होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव इज समाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज जिप गन्स और पाइप गन्स एंड आर फायर आर्म्स मैनुफैक्चरड अदर देन बाई अ फायर आर्म्स मैनुफैक्चरर ये इस तरह का फायर आर्म होता है जो कि फायर आर्म के अलावा जो बनाता है और गनिस्मित के अलावा जो फायर आर्म बनता है उसे हम इम्प्रोवाइज फायर आर्म के नाम से जानते हैं एंड टिपिकली कंस्ट्रक्टेड बाय एडेप एग्जिस्टिंग मटेरियल टू द पर्पस तो इसका ऑप्शन नंबर इस करेक्ट हैंड ग्रम्प्रोवाइज फायर आर्म का थर्टी द फॉलोइंग तो सबसे पहला क्या है एंटीमनी सल्फाइड एंटीमनी सल्फाइड सल्फाइड नेक्स्ट इसका ऑप्शन प्राइमर होगा कॉर्डाइट डबल बेस स्मोकलेस पाउडर सी गन कॉटन नाइट्रोसेलुलस पाउडर एंड डी डायनामाइट नाइट्रोगलेसरिन तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नेक्स्ट थर्टी एट एसर्शन रीजन द शॉर्टनिंग ऑफ बैरल इंक्रीजेस डिस्पर्सन ऑफ प्लेट्स एंड शॉर्ट शॉटगन अगर हम बैरल को शॉर्ट करते हैं तो क्या जो डिस्पर्शन होता है पिलेट से शॉर्ट में वो इंक्रीज होगा रीज़न क्या बता रहा है इट प्रोड्यूस लेस प्रेशर इनसाइड द बैरल तो थर्टी एट का आंसर क्या होगा आप भी सोचिए कि इसे आंसर क्या हो सकता है तो थर्टी एट का आंसर बी होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट दोनों सही हैं थर्टी नाइन क्या बोल रहा है जिप गन इज़ आ तो जिप गन क्या है एक इम्प्रोवाइज फायर आर्म है इम्प्रोवाइज फायर आर्म मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर फोर्टी राम रोड इज पार्ट ऑफ राम रोड किसका पार्ट है मज़ल लोडर का। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन टेम्पर्ड ग्लास पहला है तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा फोर्टी वन टेम्पर्ड ग्लास का होगा थ्री डाइस फॉर्मेशन ये नेक्स्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास इसका क्या होगा मोल्टेन रॉक ओहो ऑप्शन नंबर फोर सॉरी कंस्टिटेंट बी टू ओ थ्री नेक्स्ट कलर्ड ग्लास मेटेलिक ऑक्साइड होगा इसका और रॉक बुल का मोल्टे रॉक होगा तो फोर्टी वन का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलिंग कम्पोनेंट इज अ री जनरेटेड फाइबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट राय विच ऑफ द फॉलो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट तो एक्सीडेंट रिपोर्ट में क्या सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी द रिपोर्ट मे कंटेन स्टेटमेंट मेड बाय दिटनेस एट अ लेटर स्टेज लेटर स्टेज में नहीं होता उसी वक्त होता है ठीक है फोर्टी थ्री का सी लेटर स्टेज में हम विटनेस या पार्टीज का स्टेटमेंट नहीं लेते हैं उसी वक्त लेते हैं जब क्राइम हुआ है अगर क्राइम सीन पे वो लोग प्रेजेंट है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कास्टिंग मटेरियल फॉर प्रिजर्विंग फुटवेयर इम्प्रेशन कौन सा कंपोनेंट कौन सा सुटेबल होता है कास्टिंग मटेरियल के लिए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट डेंटल स्टोन द फिर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर द एनलिंग टेम्परेचर फॉर ऑर्डिनरी ग्लास इज कितना टेम्परेचर होता है एनिलिंग के लिए सी 50 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन नंबर 46 द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टू एस्टैब्लिश सॉरी टू एस्टीमेट स्टेचर फ्रॉम फीमर इज क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3.8 याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर स्टेचर एस्टीमेशन के लिए फीमर से 3.8 होता है क्वेश्चन नंबर 47 द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गस्टेफन मेथड गस्टेफन मेथड क्या होता है गस्टेफन मेथड से हम एज का डिटरमिनेशन करते हैं बाय द यूज ऑफ तिथ तो ये क्या पूछ रहा है कि कंपोनेंट कौन कौन सा इसमें से नहीं है एट्रिशन होता है रूट रिजॉप्शन होता है और नेक्स्ट क्या है सीमेंटम अपोजिशन ये भी होता है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट डेंटेशन नेक्स्ट द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज बाई द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेचर फोर्टी एट का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कार्ल पियरसन नेक्स्ट फोर्टी नाइन ऑफ फीटस बिकम वाइबल बाई द एज ऑफ वाइबल का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट इज एबल टू लिव एंड डेवलप तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सातवा महीना से सेवन मंथ से जो बच्चा है वो खुद से लिव और डेवलप करने लगता है फिटस में क्वेश्चन नंबर 50 द टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन इन अ पर्सन एज 12 ईयर्स जो टार्सल बोन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हमारे फुट के एंकल एंकल एरिया में प्रेजेंट होता है तो कितना नंबर कितना नंबर होता है बारह साल की उम्र में ऑप्शन नंबर सी सात सात क्या क्या बोन होता है ये टार्सल बोन हम वो देख लेते हैं पहला कैल्सिनियस दूसरा टैलस तीसरा क्यूबॉयड बोन चौथा नेविकुलर बोन पाँचवा मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन छठा इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन सातवा लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन ये सातों का नाम आपको याद रखना है ये सातों बोन क्या है टार्सल बोन है जो कि फुट के एंकल एरिया में प्रेजेंट है कैल्सिनियस टैलस क्यूबॉयड बोन नेविकुलर बोन मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन एंड लैटरल क्यूनिफॉर्म बोन ये याद रखना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये था 2012 जून का पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पेपर को डिस्कस करेंगे होप वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया है तो लाइक like का बटन दबाएं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग